Assalamualaikum, bakhair ali dosto, welcome back to my channel. We are back with another G day video. I'm going to get deja vu. उसी तरह जा रहे हैं, उन्हीं जगह पे जा रहे हैं, उसी तरह बेशर्म उसी तरह खाने जा रहे हैं। हमारे लास्ट चीट डे के व्लॉग पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और हमने कहा था व्लॉग में कि नेक्स्ट टाइम हम जब पेशावर आएंगे तो आप सबकी रिकमेंडेशन पे कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। लेकिन हम है थोड़े सेल्फिश, तो हमने कहा वही चीजें दोबारा खाएंगे और थोड़ी चीजें कंसिडर करेंगे जो आप लोगों ने रिकमेंड किया, स्पेशली हैदर ने। हैदर ने, लेकिन नहीं, इनकी भी चीज जो इन लोगों ने रिकमेंड किया वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने आज इंस्टाग्राम पे पोल लगाया था, मैंने आपको बताया था, और उसमें 89% लोगों ने कहा था जान से जाना, तो इसलिए वहाँ पे तो हर हालत में हमने जाना है। जाना और इसके अलावा जो हमारा रिकमेंडेशन का बाप है वो है दर, तो उसने इतनी रिकमेंडेशन दे दी कि शरोज ने कहा प्रेशर में कि हम तो एक तो हम प्रेशर में, दूसरी बात हम एक हफ्ते के लिए नहीं एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। सोचा था पहले कि प्री प्लान करके लिस्टिंग करके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारे बॉस और हमारे काम हमें छोड़ देंगे कि हम कैसे बना सकें। चलिए जल्दी से अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप, फर्स्ट डेस्टिनेशन नो ना, शुरू करो आज मैंने इसको जबरदस्ती कहा है कि डाइन करना है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कितना शेर बनता है, क्योंकि गाड़ी में तो बहुत शेर बनता है ना। मैं तो सबसे पहले जंप मारूं फ्राइज पे, इतने दिन डाइट करने के बाद ये चीट डे तो बनता ही है। मेरी न्यू एडिक्शन है वाइल्ड विंग और उसके विंग्स और सॉसेस। बोनलेस विंग्स हमने लास्ट टाइम ट्राई की थी, वो भी बहुत अलग है। फातिमा को बहुत अच्छी लगी है। इस दफ़े एक नई चीज़ रियलाइज़ किया मैंने कि आई लाइक रेंच मोर देन गार्लिक पार्मेसान। आप बताओ। हमेशा से एक चीज़ के आने में देरी होगी, वो थी ये टेंडर्स। असल में मैं जब देखता हूँ ना विंग्स स्टॉप को, जो कि अमेरिकन चेन है, तो वो हमेशा टेंडर्स देते हैं या विंग्स लेते हैं और उन्हें रेंच में डिप करते हैं, तो हमने उधर रेप्लिकेट करने की कोशिश की है वाइल्ड विंग्स के साथ। ये कौन सा सॉस? रेंच। आज तो शेरोज ने हद मचा दी है रेंच पे। मैंने कहा आज मैंने रेंच मिल्क शेक पी। अच्छा, मैंने वाइल्ड विंग्स के बोनलेस विंग्स भी ट्राई कर लिए, विद बोन विंग्स भी ट्राई कर लिए, और अभी ये चिकन टेंडर ट्राई कर रही हूँ। मुझे एडिक्शन हो गई है चिकन की, और वो भी रेंच के साथ, और वो भी केडीके की वजह से। ब्रेड क्रम्ब टेंडर, वाओ। एक बात तो क्लियर है, या तो मैं बहुत सून जजमेंट पास कर रही हूँ, लेकिन वाइल्ड विंग्स के जो फेवरेट मेरी चिकन है ना, वो बोनलेस विंग्स है। विंग्स के चिकन टेंडर्स बोनलेस विंग्स जो पहले दिन खाए थे। अच्छा, आज हमने दो टाइप ट्राई किए, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए विनर जो है वो बोनलेस विंग्स है। नो डाउट बहुत मज़ेदार था जो भी हमने खाया, लेकिन क्या नेक्स्ट चीट पे आओगे वाइल्ड विंग्स? हाँ, उन्होंने हमें डिस्काउंट कार्ड भी दे दिए, नेक्स्ट टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर आना पड़ेगा। डिस्काउंट आप लोगों को चाहिए ना, सिर्फ कैमरा उठा के वीडियो बनाने लगो। आ गए अब हम अपने सेकंड स्टॉप, जो कि है क्या रोज प्रोनंसिएशन है इस जगह का नाम, क्या आप लोग क्या बोलते हैं? बुवेट। और हम पीने आए हैं बोबा, वो भी हैदर की रिकमेंडेशन पे, HBK के बोबा को छोड़ के। और पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 फ्लेवर्स हैं। देखते हैं। I don't like messing up with my coffee or boba. और यहाँ पे बोबा सिर्फ और सिर्फ मैंगो फ्लेवर्ड अवेलेबल है, जो कि बेस्ट चीज है। मुझे पीच वाला ट्राई करना था। फातिमा को चैन नहीं आ रहा। हाँ जी फातिमा,
वालेकुम अस्सलाम। हां जी बनी सेवन की बुकिंग जो सवाल से नहीं आना कोई नहीं नहीं मेल हो रही है। फाइनली द बूबा इज हियर। टेस्ट टेस्ट ब्रो मैं करूं? हां जी मेरी गली की तबाही, क्या जनाजा निकलने वाला है। था नाइस लेकिन नॉट माय टाइप बूबा। अच्छा फिर भी ड्रिंक है ना इसलिए अच्छा है लेकिन ये मेरे टेस्ट से बहुत डिफरेंट है। ये फिजी है तो जो सारा टेस्ट है ना वो इसकी ड्रिंक का मुझे ज्यादा आ रहा है, बोवा का कम आ रहा है। इसीलिए चलो इसलिए ये जल्दी खत्म करो, मेरे लिए बोवा छोड़ देना सर। हाँ मैंने झक मारने के लिए है ना तो खैर आपको वैसे भी जूस ज्यादा पसंद आया मुझे तो अच्छा लगा। जूस पी लो और बोवा में आपको भी अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेज भी के वाला पीऊंगी लाजमन। ये लें जी हम पहुंचे अपने थर्ड स्टॉप जॉन्स डेली जहाँ पे बहुत ज्यादा रश थी और आप सबकी रिकमेंडेशन पे हम आए थे। बहुत अरमान से आई थी मैं जॉन्स डेली और पेशावर चीट डे मनाने लेकिन सारे अरमानों पे रायता घेरा गया। क्यों? क्योंकि मैं दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, पता नहीं ऐसी डाइट से ऐसा वेदर श्रिंक हुआ कि लिटरली हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं हमें क्या हो गया, हम कैसे खाएंगे। आपने कुछ सिलेक्ट किया अभी तक? मुझे लगता है कि मेरी एग्जाम में 60-70% मार्क्स आ जाएंगे, इतनी मैंने तैयारी मेन्यू की कर ली है। लेकिन हम यहाँ से खा नहीं रहे, जो लेने आए थे वो तो ले लिया हमने, मोंटी कार्लो सैंडविच खाएंगे क्या दरबार से तो अगर मिलता है। कोई पेशावर आए और जॉन्स डेली ना आए ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दे हैव द बेस्ट टी आइटम्स, ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं ज़रूर चाय का सामान अपने लिए यहाँ से लेके जाती हूँ गुहाट। ऑनेस्टली जितने अरमान लेके आई थी ना वो वापस लेके जा रही हूँ, लिटरली दिल नहीं कर रहा। एक तो मेरी तबीयत खराब है मोंटी कार्लो लिए, कुछ पेस्ट्रीज नहीं है वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन बैठ के खाने का अरमान था वो नहीं पूरा कर पाई। तबीयत भी ठीक नहीं और दिल भी नहीं कर रहा। जब आपके पास ऑप्शन बहुत हो ना तो आप मेरी तरह कन्फ्यूज हो सकते हैं और आपकी लाइफ में KDK जैसा भाई हो तो फिर तो ज़रूर। अभी इन्होंने कहा चलो मिस्टर कॉर्ड में फ्रेश फिश खा लेते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। आज हम क्या क्या डिस्कवर करेंगे? हम आए तो चलो मिस्टर कॉर्ड में ना, यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑर्डर किया है फिश पिज़्ज़ा, साथ में फिश के 3 पीसेस और साथ में कैपेचिनो। व्हाट? पापा अगर देखता ना तो कहता कि बस ये तो होने वाले हैं बर्गर। अब बर्गर जिनको नहीं पता वो एक डिजीज होती है जिसमें आपके स्किन पे वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। विटिगो कहते हैं विटिलिगो, विटिगो कहते हैं पता नहीं जो भी कहते हैं। तो कहते हैं कि फिश के साथ दूध की कॉम्बिनेशन बिल्कुल हानिकारक है लेकिन लोग फिर भी पी रहे। ये आ गया जी हमारा ऑर्डर और KDK को अपनी स्टोरी सी पड़ी हुई है। यार इस बार चीट डे का मज़ा नहीं आ रहा, मेरी है हालत टाइट, जुकाम की वजह से मुझे किसी चीज़ का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है आप ही बता दो कैसे फिश। एक बात आपकी सही थी कि गर्म गर्म उधर ही बैठे खाने का मन है ना, लेकिन यार मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, फायदा ही नहीं। हाँ ये मसला, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट आ रहा है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। बहुत अला मैंने KDK को आज फोर्स किया कि गरम गरम यहाँ पे ही बैठ के खाएंगे, गाड़ी में खाने का क्या मजा है। अब हम पहुंचे अपने फिफ्थ स्टॉप कैफे क्रंच और KDK मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा रहे हैं। फाइनली लास्ट टाइम से थोड़ी डिफरेंट जगह है कैफे क्रंच और वो भी आप सबकी रिकमेंडेशन पे। मैंने सुना है मेरी फेवरेट जगह है पूरे पेशावर में, लेकिन अभी उन्होंने रीओपनिंग की है, रीलॉन्च की है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों, क्या मसला हो गया था, अगर आप लोगों को कुछ पेशावर वालों को पता था। बाय द वे हम कैफे क्रंच पापा और फातिमा को ऑर्डर पिक करने आए हैं जो कि उन्होंने मांगा था कैफे क्रंच से फिश एंड चिप्स, तो हम अब वो पिक करने आए हैं। और मेरी हर एक जगह के साथ तबीयत और ख़राब हो रही है, नौजिया मेरा और बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं आई ही क्यों हूँ, इतनी चट्टी क्या थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मुझे चीट डे मनाना था भाई KDK के साथ।
खैर खैर अभी अब नेक्स्ट टाइम ये करेंगे ना कि सबसे एंड पे वाइल्ड विंग्स होगी मतलब साइड क्रेविंग फर्स्ट स्टॉप में सेटिस्फाइड होगी कि उसके बाद दिल ही नहीं करता सेट हो जाते हैं फर्स्ट स्टॉप में मेरा तो ये लास्ट क्या कहूँ लास्ट मील लास्ट थिंग फॉर द डे यही कहूँगी कॉफ़ी है क्योंकि मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये चीज डे इतना भारी पड़ जाएगा और उससे ज्यादा बुरा इसलिए फोन फील सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि मामा का फोन आ गया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में वो कितनी कोई तरीका है और ये तो बिल्कुल चिल रिलैक्स बैठ गए कहते सुनो डांट जैसे मैं सुनता हूँ आज तुम सुनो इसकी भी बस हो गई है बस हमारी बस हो गई है ट्रक हो चुकी है केडीके गए अपने फेवरेट स्टोर इम्तियाज अब मुझे सख्त किस्म का बुखार चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से मैंने गाड़ी भी बंद करवाई है शीशे नीचे करवाए इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि बुखार टूटा मेरा अभी मुझे क्या पता था चीट डे वाला दिन इतना चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुजरा बट स्टिल आई एम फीलिंग सो 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 लो एंड सो ड्रेन्ड लेकिन आना तो था ना चीट डे तो बनता था इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करने के बाद इतना वजन कम करने के बाद चीट डे बनता ही बनता था अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पता है क्या घर जाके डांट खाने की क्योंकि कोई भी मेरे घर में से कोई भी मेरे भाई को फ़ोन नहीं करता उनको पता है उसका गुस्सा उनका गुस्सा पता है और उनको लगता है कि अगर मैं भाई को कहूँगी कि जल्दी करो तो भाई जल्दी कर लेंगे लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर हम खाने आए हैं हर रेस्टोरेंट पर टाइम लगता है प्लस पेशावर की ट्रैफिक की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए और अभी तकरीबन 8:30 बज रहे हैं भाई अभी तक इम्तियाज से नहीं निकले पक्का मरवाओगे पक्का क्यों सीरियसली कितने चिल हो आप आपने तो जवाब देना नहीं है ना घर में इसलिए मैं जवाब नहीं देना मैं असल में बगावती बच्चे मैं मुतमईन बगावत बगावती वर्ड दूसरा यूज करना चाह रहा था लेकिन डीमोनेटाइज हो गया तो मैं मुतमईन हूँ क्योंकि बचपन से मेरे साथ यही हो रहा है खैर अब ये हो रहा है इसका मतलब हम एंजॉय ना करें आप ही की बातें हैं और जितने लोग मुझे देखते हैं जो मुझे जानते हैं शरोस खैर है ट्राई टू एंजॉय बातें इज अ पार्ट ऑफ लाइफ डांट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंजॉय करो ये डांट कहा तो आपने बड़ा सही है मुतमईन बगावती बगावती मुतमईन जो जानते हैं उन्हें असल वर्ड ही असल वर्ड हम घर पहुंच आए और मामा दरवाजे पे खड़ी हुई है और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मम्मी की मुझे ढूंढ के मुझे और नहीं पता मम्मी ने गुस्से में क्यों कैसी हो रे ठीक हो जाओ अच्छा चल चल मना चल हट देख तो आप सब ने लिया ही है कि मामा का मूड सख्त खराब है अभी उनका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं बाय द वे घर आते ही पता चला कि मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ है बाय क्राफ्ट 01 दिस इज़ द पीआर पैकेज थैंक यू सो मच इनको मैंने कहा भी था कि लेज बॉयकॉटेड हैं इसको रिप्लेस कर लें लेकिन चले थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने भी ऐसी गिफ्ट बास्केट बनानी हो तो आप कॉन्टेक्ट करें एस क्राफ्ट ये रात के 1 बज रहे हैं और अब मामा को होश आया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मेरा कुछ खाने का मूड नहीं था और कुहाट आते साथ मुझे इतनी सख्त क्रेविंग हो रही थी हर चीज के लिए जो मैं छोड़ के आई थी और मामा को भी मना लिया था मामा को मनाना इतना मुश्किल नहीं है उनकी फेवरेट चीज़ जॉन्स डेली की कोई आप टी आइटम रख लो वो मान जाती हैं लेकिन उनकी डांट की दहशत बहुत ज़्यादा होती है आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलते हैं करीब तब तक के लिए खुदा फ़मान अल्लाह हाफिज़